सो गाइस, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर सेल चल रही है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी डील्स लैपटॉप में काफ़ी सही डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अभी तक अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप मुझे लेना चाहिए, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं इस वीडियो में 20,000 से लेकर 50,000 तक जो भी बेस्ट लैपटॉप हैं, चाहे आप प्रोग्रामर हो, गेमर हो, आपको एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए चाहिए, बिजनेसमैन हो, सभी के लिए मैंने जो बेस्ट डील है वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट की हुई है, मेंशन की हुई है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। गाइस, कल मैंने इस लैपटॉप में एक लैपटॉप दिखा देता हूँ आपको, ये अविटा का लैपटॉप। बहुत लोगों को डाउट था कि ये लैपटॉप अच्छा है या नहीं, तो इसकी मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाई थी, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और आज भी हम एक लैपटॉप का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, वो ये डेल का लैपटॉप, डेल वॉस्ट्रो 3490। तो इसका भी हम लोग आज एक डिटेल रिव्यू डालने वाले हैं कि ये लैपटॉप कैसा है। एंड गाइस, जो भी लैपटॉप मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, उनकी जहाँ पर बेस्ट प्राइस मिलेगी ना, वही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ। तो जो भी लैपटॉप आपको परचेस करना हो, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। हो सकता है आप डायरेक्ट साइट पे जाओ तो आपको रेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले, इसलिए जहाँ पे बेस्ट प्राइस है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन देख के मैं वहीं की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो नंबर वन पे लैपटॉप आता है वो आता है असूस की तरफ से, असूस वीवोबुक 15। यहाँ पर आपको इंटेल सेलरॉन N3350 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 15.6 इंच की HD डिस्प्ले देखने को इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगी। 4GB की रैम मिलती है, 256GB की SSD मिलती है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड इंटेल के आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। 2KG का इस लैपटॉप का वेट है। एंड गाइस, इसकी जो प्राइस है वो है 19,990। अगर आप इसमें HDFC का कार्ड यूज़ करते हो तो 10% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो चाहे डेबिट कार्ड यूज़ करो। तो गाइस, ये लैपटॉप बेस्ट है अगर आपको कम प्राइस में लैपटॉप चाहिए और आपका ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है, आपको म्यूज़िक सुननी है, कुछ ईमेल एक्सेस करनी रहती है, इंटरनेट चलाना है, कुछ PDF वगैरह ओपन करने हैं, छोटा मोटे आपके काम है, तो ये लैपटॉप ईजिली आपके सारे काम कर देगा। अगर आपको ज़्यादा हैवी वर्क करने हैं तो ये प्रोसेसर जो है वो काम नहीं कर पाएगा, लैग होगा ये लैपटॉप अगर आप हैवी वर्क करते हो तो जिसका ज़्यादा हैवी वर्क है उनको मैं ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जो बिगिनियर्स हैं, अभी न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं, पहली बार लैपटॉप ले रहे हैं, तो वो ये ले सकते हैं। आपको अपने बच्चों के लिए लैपटॉप लेना है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए लैपटॉप लेना है, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हैं, बिल्कुल ही बेस्ट लैपटॉप रहेगा, सही प्राइस में सही डील आपको मिल रही है। चलिए बात करते हैं अगले लैपटॉप की। गाइस, यहाँ पर भी देखिए आपको एसर की तरफ से मिलता है Acer 114, ये लैपटॉप आपको मिलता है। पेंटियम ड्यूअल कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। 4GB की रैम मिलेगी, 1TB की हार्ड ड्राइव मिलेगी, विंडोज 10 यहाँ पे आपको इंस्टॉल मिलता है। तो अभी अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, आपको 256GB की यहाँ SSD मिल रही थी, तो SSD की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी आपको अगर स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। 1TB की हार्ड ड्राइव मिल रही है यहाँ पे आपको, एंड विंडोज 10 मिलेगा। 14 इंच की डिस्प्ले है, 1.8 kg का वेट है, और ये लैपटॉप भी एक काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आता है। अगर आप बोलोगे कि दोनों में से भाई ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि ये एसर का लैपटॉप ज़्यादा बेस्ट है। दोनों की प्राइस सेम है, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपको 1TB की हार्ड ड्राइव तो मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा अच्छा मिलता है। एंड जो ये ब्रांड है एसर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये ब्रांड, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस लैपटॉप के साथ जाइए। अगला जो लैपटॉप है हमारी लिस्ट में वो है अविटा की तरफ से, जो मैंने अभी आपको दिखाया था और जिसकी मैंने कल एक डिटेल रिव्यू वीडियो भी बनाई थी। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, लेकिन काफ़ी लोगों को डाउट है भाई हीटिंग होती है ये वो, तो मैंने इसका डिटेल रिव्यू बनाया, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको राइजन 5 क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, जो कि 26,990 में कोई भी ब्रांड आपको नहीं देता है। एंड यहाँ पर आपको 8GB की रैम मिलती है, 512GB की SSD मिलेगी, विंडोज 10 होम प्री इंस्टॉल मिलेगा, 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है। तो अगर आप कम प्राइस में हाई स्पेक्स चाहते हो ना, आप अच्छे स्पेक्स लेना चाहते हो ना कम प्राइस में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। बिल्ड क्वालिटी में अविटा ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और बाकी चीज़ें आप डिटेल रिव्यू एक बार देख लेना जो कि मैंने डाला हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लैपटॉप कैसा है भाई। अगला जो लैपटॉप है गाइस वो हम लोग देख लेते हैं, आता है HP की तरफ से, HP 14S। यहाँ पे आपको इंटेल का कोर i3 10th generation लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर मिल रहा है। 8GB की रैम मिलती है, 256GB की SSD मिलती है, विंडोज 10 होम मिलेगा, 14 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 1.47 kg का वेट रहेगा, विथ MS Office भी इसमें आपको इंस्टॉल मिल रहा है। तो अब अगर आपके थोड़े से हैवी वर्क हैं तो ये प्रोसेसर जो है मल्टीटास्किंग को भी हैंडल करता है, तो आप इस इंटेल के i3 10th generation के साथ जा सकते हो। HP आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, और जो
उसका लुक रहता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहता है। तो ये जो अविटा और ये HP के लैपटॉप है ना, ये आपके थोड़े से हैवी वर्क को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही बहुत अच्छे प्रोसेसर हैं, तो आप इनके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। अगर आपके पास अच्छा बजट है 35,000 तक, तो डेफिनेटली आप HP के साथ जाइए, ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह भी करते हो, ट्रैवलिंग वगैरह भी करते हो, बिजनेसमैन भी हो, तो ये एक क्लासी लैपटॉप, बहुत ही अच्छा लैपटॉप यहाँ पर आपको HP की तरफ से मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो नेक्स्ट लैपटॉप है गाइस, वो है ASUS की तरफ से। ASUS यहाँ पर वीवो बुक सीरीज का आपको मिलता है कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 4GB की रैम, 512GB की SSD मिलेगी, विंडोज 10 यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिलता है, एंड यहाँ पर आपको 1.40 kg का लाइट वेट लैपटॉप है, बिल्कुल लाइट वेट लैपटॉप है। और वीवो बुक की जो खासियत है ना गाइस, वो यही है कि ये प्रीमियम लुक के साथ आते हैं। वीवो बुक काफ़ी स्लिम रहते हैं, डिज़ाइन अच्छा रहता है, और देखिए बेजल लेस डिस्प्ले आपको, देखिए साइड से देखेंगे तो बेजल लेस डिस्प्ले एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यही वीवो बुक की खासियत है, काफ़ी स्लिम और स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ आते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जैसे कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। तो कुछ स्टाइलिश लैपटॉप आप लेना चाहते हो, बढ़िया सा 14 इंच का लाइट वेट लैपटॉप लेना चाहते हो, तो ASUS वीवो बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो कोर i3 10th जनरेशन के साथ ये आपको 36,990 में मिलता है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जो अगला लैपटॉप है ना गाइस, वो है लिनोवो की तरफ से थिंकपैड E14। अब गाइस मैं थिंकपैड की आपको हिस्ट्री क्या बताऊँ, थिंकपैड जो है ना बहुत ही अच्छे मॉडल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, हाईली रिकमेंडेड फॉर बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। जो लॉन्ग टाइम तक लैपटॉप चलाना चाहते हैं ना भाई, तो ये थिंकपैड जो है ना काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट अभी जिस लैपटॉप में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, ये भी लिनोवो थिंकपैड है, X220 मॉडल है, और ये अराउंड 8 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 8 साल इसको हो गए, इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और ये i5 सेकेंड जनरेशन है जो कि अभी तक बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो थिंकपैड की अगर मैं कुछ खास बातें बताऊं ना, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी रहती है। हमने जितने भी लैपटॉप पहले देखे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी आपको थिंकपैड में देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर i3 10th जनरेशन प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 4GB की रैम है, 256GB की SSD है, विंडोज 10 होम मिलेगा, 14 इंच की डिस्प्ले, 1.77 kg का वेट है। थोड़े से हैवी रहते हैं थिंकपैड, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है, इसमें जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो अगर आपको एक लॉन्ग लाइफ लैपटॉप चाहिए ना, तो थिंकपैड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा रफ एंड टफ यूज़ करना है ना, इवन इसका 8 साल में कीबोर्ड का एक की भी ख़राब नहीं हुआ है, तो थिंकपैड आप समझ सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग सीरीज है। जो अगला लैपटॉप है गाइस, वो आता है अब गेमर्स के लिए, एसर एस्पायर 7। कोर i5 9th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम मिलेगी, 512GB की SSD मिलेगी, विंडोज 10 होम प्री इंस्टॉल मिलेगा, 4GB का NVIDIA का GeForce GTX 1650, ये DDR6 के साथ आता है शायद ग्राफिक कार्ड, और 4GB का ग्राफिक कार्ड है, 60Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, अंडर 50,000 अगर आपका बजट है ना, तो इससे अच्छी डील आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पर 9,000 का डिस्काउंट है, अगर आप सेल के बाद इसको लेते हो तो 59,000 में देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आपको 49,990 में मिलता है। अगर SBI का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो 10% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डील है जिनको वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है, जो भी आपके हाई ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो या गेम हो, वो अच्छे FPS में बिल्कुल चलने वाले गेम्स की बात करूं तो मैं आपको 70+ FPS आपको देखने को मिलेंगे फ्रेम पर सेकेंड। तो डेफिनेटली ये बेस्ट है गेमर्स, वीडियो एडिटर, म्यूजिक प्रोडक्शन, या जिनको भी कुछ हैवी वर्क करना रहता है, हैवी सॉफ्टवेयर चलाने रहते हैं, इजीली आपके इसमें सारे काम होने वाले हैं। अब ये जो लैपटॉप है गाइस, अगला हमारा ASUS वीवो बुक 14 कोर i5 10th जनरेशन, 8GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव, 256GB SSD, विंडोज 10, 1.50 kg का वेट है, 14 इंच। वीवो बुक की मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्लिम रहते हैं, लुक वाइज अच्छे रहते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। एंड गाइस ये लैपटॉप उनके लिए रिकमेंड करूंगा मैं जिनको भाई गेमिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करनी ना, सिर्फ नॉर्मल वर्क ही उनको करना रहता है, नॉर्मल से सॉफ्टवेयर चलाने हैं, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह जो भी उनका टैली वगैरह रहता है, तो जो लाइट वेट सॉफ्टवेयर है वो चलाने हैं, तो कोर i5 10th जनरेशन अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको 1TB हार्ड ड्राइव के साथ 256GB की SSD, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो हार्ड ड्राइव में अपना क्या है, बल्क डेटा भी आप सेव कर सकते हो, और जो SSD है वो आपके बूट टाइम को फास्ट करेगी, आपका लैपटॉप की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट डील रहेगी, और इससे ज़्यादा तो मैं रिकमेंड वैसे यही करूँगा Acer Aspire 7, क्योंकि ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है ये। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, कहीं भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या किस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के ऊपर चाहते हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।